नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपको भगवान बुद्ध के जीवन के दो प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको प्रेरक प्रसंग अच्छे लगते हैं, आपको कोई चेतना मिलती है, अगर आपको कोई सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो कृपया उसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको भगवान बुद्ध के जीवन के दो प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहाँ भी उसे कोई नई चीज़ सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीख लिया, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीख लिया, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीख लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को उसने सीख लिया। अब जब वह सीख लिया तो उसको अहंकार हो गया कि मुझे बहुत सारा काम आता है, मुझे बहुत सारी कलाएँ आती हैं जो और किसी को नहीं आती। उसी लड़के के शहर में एक बार गौतम बुद्ध आए। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो उन्होंने सोचा कि उस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक सीखी गई कलाओं से भी बड़ी है। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और उस लड़के के घर चल दिए। उस लड़के ने पूछा कि आप कौन हैं? तो बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि उसकी कोई निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को बस में रखना है। इस प्रसंग का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो संभाव आता है, और यही संभाव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। इस वाक्य से हमें सीख मिलती है कि हमारे अंदर कितने भी गुण हों, हम भले सर्वज्ञानी हों, लेकिन हमारे ज्ञान को, हमारी कलाओं को हमें सही उपयोग करते ना आता हो, हमारा अपने आप पर नियंत्रण ना हो, तो वह सब कलाएं, वह सब ज्ञान निरर्थक है। अगर ज्ञान हमारा किसी की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए उपयोग में नहीं आ रहा है, स्वयं की भलाई के लिए, आत्मनियंत्रण के लिए अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान कोई मतलब का नहीं होता। एक दूसरा प्रसंग जिसमें भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों को धैर्य की शिक्षा देते हैं। एक बार भगवान बुद्ध को एक गांव में एक सभा में भाषण देना था। जब प्रवचन देने का, भाषण देने का समय आ गया तो भगवान बुद्ध आए और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। तकरीबन 200-300 लोग थे, श्रोता थे, जो भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने आए थे। लेकिन भगवान बुद्ध आए और देखा और चुपचाप वापस चले गए। दूसरे दिन फिर प्रवचन का आयोजन किया गया, फिर भगवान बुद्ध आए और इधर उधर देखा और वापस चले गए। आज पिछले दिन से कुछ कम लोग थे। बुद्ध को ऐसा करते देख उस लोगों के अंदर थोड़ी सी चिढ़ महसूस। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति घमंडी है, आता है और चुपचाप बैठकर चला जाता है। तीसरे दिन प्रवचन में फिर लोग आए, लेकिन आधे से भी कम लोग रह गए। बुद्ध ने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, आए, बैठे, ध्यान किया और वापस चले गए। इस प्रकार सातवें दिन तक भगवान बुद्ध ने ऐसे ही किया। जब सातवां दिन आया तो सातवें दिन मात्र 14 लोग वहां उपस्थित थे। इन 6 दिनों में बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, मात्र 14 लोग ऐसे थे जो अभी भी भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुनना चाहते थे। भगवान ने उन 14 लोगों को प्रवचन दिया, तो 14 लोग भगवान बुद्ध की शरण में आ गए, धम्म की शरण में आ गए, धर्म की शरण में आ गए और हमेशा के लिए भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आप इन 7 दिनों तक क्यों कुछ नहीं बोले? तब बुद्ध ने कहा, मुझे भीड़ नहीं,
काम करने वाले चाहिए थे। यहां वही टिक सकेगा जिसमें धैर्य हो, जिसमें धैर्य था वह रह गए। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता, कोई भीड़ ज्यादा होने से कोई बातें व्याप्त नहीं होती। समझने वाले चाहिए, तमाशा देखने वाले रोज इधर से उधर ताक झाक करते रहते हैं। समझने वाला, धीरज रखने वाला धैर्य रखता है, चीजों को समझता है और उन्हें अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अनुसरण करता है, ज्ञान का अनुसरण करता है। जो चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, उन्हें अपने व्यवहार के माध्यम से अपनी प्रकृति में शामिल करते हैं। मित्रों, ये किस्सा हमें ये सीख देता है कि हमें जो कुछ भी पाना है, अगर हमें वह सच में पाना है तो हमें उसके लिए धैर्य रखना होगा। जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे, एक समझदारी के साथ में एक इंतजार नहीं करेंगे, तब तक हम वह नहीं पा सकते जो हम पाना चाहते हैं। चाहे वह हमारी नौकरी हो, कोई धन हो, कोई विशेष वस्तु हो, या हमारी आत्मसंतुष्टि हो, आध्यात्मिक संतुष्टि हो, जिस भी क्षेत्र में हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के दो प्रेरक प्रसंग। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।